सात सितारे, सात जुबे, सात समुंदर, सात महाद्वीप, सात फेरे, सात सूर्य, सात दिन, सप्तऋषि, सात वचन, क्यों है सात नंबर इतना खास, जानिए इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर्स का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, फिर चाहे वो पैसे के रूप में हो या फिर एक संख्या के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी नंबर्स में सात नंबर एक ऐसा नंबर है जो अन्य सभी से यूनिक है। वैसे तो सभी नंबर यूनिक ही होते हैं, परंतु सात नंबर को दुनिया का सबसे शुभ अंक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने पूरी दुनिया को छह दिनों में बनाकर सातवें दिन ही आराम किया था। क्या है सात नंबर में इतना खास जो जेम्स बॉन्ड, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी सात ही है। आपको यह तो पता ही होगा कि हमारी धरती पर कुल सात महाद्वीप है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। और सात महाद्वीपों के अलावा हमारी धरती पर सात समुद्र भी है, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन। हमारी धरती पर मौजूद अजूबों के बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी आपको बताते हैं। और ये भी साथ ही है, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, कोलिजियम, चिकन इत्जा, मोचू पिचू, क्रिस्ट द रिमिडर। आपको यह भी पता ही होगा कि एक सप्ताह में सात दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संगीत में महत्वपूर्ण होता है सुर, और आपको जानकर खुशी होगी या हैरानी भी होगी कि सुर भी साथ ही होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। यदि आपको अध्यात्म ज्ञान है तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि अध्यात्म में सात चक्र होते हैं, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र और रूट चक्र। यदि आप हिंदू धर्म के ज्ञात हैं तो आपको सप्तऋषियों का तो अवश्य पता होगा, और ये भी साथ ही हैं, करातु, पुलाहा, पुलसत्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीचि। वसंत ऋतु में इंद्रधनुष तो आपने अवश्य देखा होगा। क्या आपने इंद्रधनुष के रंगों के क्रम को देखा है? क्या आपने उसमें कुल रंगों को देखा है? आइए हम बताते हैं, और ये भी साथ ही हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शादी सात फेरों में सात वचनों से ही होती है, और फिर उसे सात जन्मों तक निभाने का वचन भी दिया जाता है, यानी कि यहाँ भी सात वचन, सात फेरे और सात जन्म। तो क्या है इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स, आइए जानते हैं। सात एक ऐसी एकल संख्या है जो अपने व एक के अलावा किसी भी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती। धरती पर सात अजूबे हैं, धरती पर सात महासागर हैं, सात महाद्वीप हैं, सात दिन हैं, सात सूर्य हैं, सात ऋषि हैं, सात रंग इंद्रधनुष में होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर सात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर सात है, जेम्स बॉन्ड 007 के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू अध्यात्म के अनुसार इंसान के शरीर में कुल सात चक्कर हैं, हिंदुओं में शादी में सात फेरे ले जाते हैं, हिंदुओं में शादी पर सात वचनों को निभाने की कसम ली जाती है, किसी के साथ के लिए सात जन्मों की ख्वाहिश की जाती है, इस्लाम में सात स्वर्ग का जिक्र किया गया है, हिंदू धर्म में पाताल और स्वर्ग के बीच सात डिवीजन का महत्व बताया गया है, भगवान महात्मा बुद्ध जिस कमल पर विराजमान थे उस कमल की कुल पंखड़ियां भी सात ही है। बाइबल में सात महान चर्च बताए गए हैं। ज्योतिषों के अनुसार हमारे सोलर में सात ऐसे ग्रह हैं जिनका मानव जीवन पर हमेशा प्रभाव रहता है। इंसान की चमड़ी में दो आंतरिक और पांच बाहरी यानी कुल सात सतह होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में सात सालों बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। प्रबंधकों के अनुसार किसी देश की अर्थव्यवस्था पर सात साल में चक्र परिवर्तन करती है। बैंक ऑफ रिवॉल्यूशन में सात भगवान की आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज मिलर ने लिखा है कि एक सामान्य इंसान कम समय में केवल सात चीजें ही एक साथ याद रख सकता है। एक सबसे अच्छी होटल 7-स्टार होटल को माना जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, शायद आप जान ही गए होंगे कि सात नंबर इतना यूनिक क्यों है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।